हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज यू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार, डियर स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्लिप। टुडे आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट स्लिप विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 8 बुक रेडियंस चैप्टर सेकेंड स्लिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड वार्मर। वार्मर, वाई डू वी स्लिप? बच्चों, इस स्लिप का मतलब यहाँ पर होता है नींद। स्लिप का मतलब नींद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड वार्मर। वाई डू वी स्लिप? हमें नींद क्यों आती है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें नींद क्यों आती है। डू ऑल पर्सन, क्या सभी लोग, डू ऑल पर्सन, क्या सभी लोग स्लिप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम? बच्चों, अमाउंट के मतलब मात्रा में, या टाइम का मतलब समय। कहता, क्या सभी लोग एक ही मात्रा में, एक ही तरह से सभी लोग सोते हैं? डू यू एवर हैव ड्रीम? क्या आपने कभी सपना देखा है? ड्रीम का मतलब सपना होता है, एवर मतलब कभी। डू यू एवर हैव ड्रीम? क्या आपने कभी सपना देखा है? इफ़ यस, अगर हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट। तो उस कहानी, उस सपने को बताइए जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो या बहुत ज़्यादा खराब लगा हो। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें सपने आते हैं? चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। कहता है, ना नो बडी नोज वाई वी स्लिप। नो बडी मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानना, वाई वी स्लिप कोई नहीं जानता है कि हमें नींद क्यों आती है। कोई नहीं जानता है कि हमें नींद क्यों आती है। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हमें, हम लोगों को नींद की ज़रूरत है, लेकिन सभी को नींद की ज़रूरत है। स्लिप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रोन। स्लिप जो है, वो नींद जो है, वो हमारे बॉडी को, शरीर को और हमारी ब्रेन को, दिमाग को क्या करता है, विकसित होने में और विकासशील होने में मदद करती है, हेल्प करती है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। फाइट सिकनेस का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने के लिए, और स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान। ड्यूरिंग स्लीप मतलब नींद के दौरान। आवर मसल, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, आवर मसल्स बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, बोन्स हड्डियाँ हैं, और स्किन जो हमारे त्वचा है, वो ग्रो कर सकता है। एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। और जो हमारे मांसपेशियों में, जो हमारी त्वचों में जो कुछ जख्म होते हैं, कुछ घाव होते हैं, उसको भर देते हैं। आवर ब्रेन नीड स्लीप, हमारी जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसको नींद की ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। नींद जो है, वो हमें मदद करती है। किस चीज़ में? हमारे मस्तिष्क को मदद करती है। किस चीज़ में? रिमेम्बर व्हाट वी लर्न, जो कुछ भी हम सीखते हैं, कि क्या हम सीखे पूरे दिन में, उसको याद करने में हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को मदद करती है नींद। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसनट्रेट। बच्चों, अटेंशन का मतलब होता है सावधानी, कंसनट्रेट का मतलब ध्यान लगाना। हमारे जो नींद जो है, वो हमको अटेंशन, सावधानी बनाए रखता है, और कंसनट्रेशन बनाए रखता है, ध्यान लगा रखता है कि क्लास में या कहीं भी कि क्या बातचीत हो रही है, क्या याद रखने के लिए। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। ऐसी कोई नियम नहीं है कि कितना आदमी कितना सोता है, ऐसी कोई नियम नहीं है। बट एन एवरेज, लेकिन एक औसतन रूप में, एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स। एडल्ट जो वृद्ध होते हैं, जो युवा होते हैं, वो लगभग 7 घंटा सोते हैं। एंड 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट सोते हैं। अबाउट 80% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप्स, एंड 4% वन टेन आवर्स और मोर। लगभग, अबाउट, लगभग 8% जो वृद्ध है,
वो खुश है 5 घंटे ही सोने में या उससे कम ही सोने में वो खुश है, लेकिन कुछ जो है वो 4% जो उसमें आदमी है वो 10 घंटा सोने और उससे ज़्यादा भी सोते हैं, वृद्ध में भी। चिल्ड्रेन एट द एज, बच्चों की जो बच्चा अपने अवस्था में होता है, एट द एज मतलब कि अवस्था में, 5 to 12 ईयर नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। ईच नाइट मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात्रि में जो बच्चे की एज होते हैं, 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, वो 5 से 12 साल के बच्चे 10 से 11 घंटे प्रत्येक रात सोते हैं। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर, बच्चे जो होते हैं, जो शिशु होते हैं, जो बालक होते हैं, वो 5 साल से कम उम्र के, उसको क्या होता है, 14 to 18 आवर, 14 से 18 घंटा नींद की आवश्यकता होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन द डिड वेन यू यंग, वेयर एज आपको हो रहा होगा, वेयर एज जबकि कि एल्डरली जो युवक होते हैं उसको नींद की आवश्यकता होती है जवानी में। दे ऑफेन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे वो कब अक्सर, वो अक्सर क्या होता है, दिन में झपकी लेते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं वृद्ध आदमी। देर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल, वन स्लीप साइकिल, एक जो नींद की जो घड़ी होती है, जो साइकिल होती है, उसमें चक्कर जो होता है नींद का, उसका 5 स्टेज होता है। ईच स्लीप साइकिल टेक अबाउट 19 मिनट्स, प्रत्येक 90 मिनट, प्रत्येक जो साइकिल होता है, चक्कर होता है नींद का, वो प्रत्येक चक्कर 90 मिनट का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 times ड्यूरिंग द नाइट, एक रात में वो जो साइकिल होता है 90 घंटा का चक्कर होता है, वो लगभग लगभग 5 या 6 बार घूमता है, 5 या 6 बार चलता है। ड्यूरिंग द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के दौरान, यू फर्स्ट फॉल और स्लिप, फॉल और स्लिप, आप एक निद्रा में सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे साइकिल के दौरान, स्टेज चलन के दौरान, यू आर इन अ डीप स्लीप, आप गहरे नींद में सो जाते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपके जो सांसें हैं, हार्ट रेट जो हृदय गति है, वो स्लो डाउन धीरे धीरे गिरती जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, आपकी जो बॉडी है, शरीर है, वो गतिहीन हो जाती है। ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज, 5वें चरण में, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, आपका जो दिमाग होता है वो एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है और आप सपना देखने लगते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ अ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट, रैपिड आई मोमेंट और रेम, रैपिड आई मोमेंट कहिए या रेम कहिए, यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ अ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट, जब आप सपना देख रहते हैं तो इस दौरान इसकी इसको क्या कहते हैं, रेम कहते हैं, रैपिड आई मोमेंट। ड्यूरिंग द रेम रैपिड आई मोमेंट के दौरान, योर आइज मूव्ड अंडर योर एल्ट्स रैपिडली, आपका जो आँखें जो पलक है वो झपकता रहता है, मतलब तेजी से चलता रहता है। नॉर्मल स्लीप, नॉर्मल स्लीप इज मेड अप टू 2 alternating phases, सामान्यतः जो वैकल्पिक जो अवस्थाएं होती है वो 2 प्रकार से बनी होती है। पहला चरण ये है कि फेज वन जो है क्या होता है, इन्वॉल्व्स नो ड्यूरिंग, जो पहला चरण है उसमें कोई भी ड्रीमिंग, कोई भी सपना नहीं आता है। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, सामान्यतः ये क्या होता है, अर्ली पार्ट जो कुछ देर के बाद रात में यह घटना घटित होता है। अगला देखिए, फेज 2, पहला चरण में सपना आता नहीं है ज़्यादातर, दूसरा चरण में जो होता है फेज टू इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, आपका जो पहला दूसरा चरण होता है उसमें सपना आता है। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स टाइम, अलग अलग समयों में आपको नींद आने लगती है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली
रिमेंबर योर ड्रीम्स। अगर आप कहीं इस दौरान, अगर इस सपने के दौरान अगर आप उठ गए, इस फेज के दौरान अगर उठ गए, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम। आप निश्चित ही तौर से आप इस सपनों को आप याद कर सकते हैं। जिस दौरान सपना चलता रहता सेकेंड फेज में, उस दौरान अगर आप उठ गए तो आपको सपना याद जरूर आएगा। अगला देखिए, वेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। वेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन, जो शारीरिक गतिविधि होता है वो स्लो डाउन, धीरे धीरे घटता रहता है। बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी घटता रहता है। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए होता है क्योंकि आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम। हमारे जो शरीर के जो टेम्परेचर होता है 24 घंटों में अलग अलग टेम्परेचर में चलता रहता है, ऊपर नीचे गिरता रहता है। नॉर्मली सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर इज लोअर इन द मिडिल ऑफ द नाइट। सामान्यतः जो होता है शरीर का टेम्परेचर, वो रात्रि के मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद हमारे शरीर का तापमान गिरने लगता है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है शरीर का वो आफ्टरनून, दोपहर में होता है। व्हेन यू गेट एनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन एंड बेटर इन स्कूल। अगर आप यू व्हेन यू गेट एनफ स्लीप, अगर आप पर्याप्त रूप में नींद लेते हैं, नींद आती है, यू कैन पे अटेंशन, आपको सावधानी होगी, आप अटेंशन में रहेंगे, बेटर इन स्कूल, अपने विद्यालय में सावधानी सब चीज़ सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, याद रहेगा सब चीज़, अगर अच्छे नींद लेते हैं तो। बी ए क्रिएटिव, अब आप एक फुर्तीला हो जाएंगे, आप एक सोचने वाले इंसान बन जाएंगे। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और नए नए विचार आपको आने लगेंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे ख्वाब आएंगे। फाइट सिकनेस, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान होगी। सो यू स्टे हेल्दी, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने मित्र के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे मूड में बातचीत करते हुए, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होगा, अच्छे मूड में बातचीत कर पाएंगे। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट वी लर्न, तो आप सब चीज़ भूल जाते हैं जो कुछ भी आप सीखे होंगे। लर्न हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और आप जो होगा अपने डिसीजन लेने में, अपना जो होता है डिसीजन लेने में आपको बहुत ही कठिनाइयाँ होगी, बहुत ही परेशानी होगी। अगला देखिए क्या कहता है, बी इन अ बैड मूड, और क्या होगा, बहुत ही ख़राब मूड हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, और खेल खेलने में भी आपको बहुत ही परेशानी होगी। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, और शिक्षकों को, अपने गार्जियन को सुनने में भी, क्या कहते हैं उसको सुनेंगे, बोलेंगे तो चिड़चिड़ापन महसूस होगा अगर नींद अच्छा नहीं आएगा तो। एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड ब्रदर एंड सिस्टर, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने ब्रदर्स भाई बहन के साथ अब पेशेंस, धैर्य बनाकर नहीं रह पाएंगे, वो कुछ बोलेगा तो चिड़चिड़ापन होगा, डांट पटकर चलेगा, झगड़ा हो जाएगा। समटाइम्स, कभी कभी एवरी वन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी किसी, बहुत से लोगों को नींद लेने में बहुत सी परेशानियाँ होती है। बट इफ़ यू मेस अ कपल ऑफ आवर अ स्लीप, अगर आप 2 घंटे से कम सोते हैं, नो हार्म इज डन, तब कोई परेशानी नहीं है उसमें। यू मे फील टायर्ड एंड इरेटेबल, आप तब अपने आप को थकान महसूस करेंगे, और इरेटेबल, अपने आप को चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन अगले ही दिन जल्द ही वो बॉडी अपने आप को नींद को पूरा करवा लेती है जो आप 2 घंटे नींद लिए रहते हैं। हाउ एवर, जबकि इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, जबकि आप प्रत्येक रात ऐसे ही करते रहेंगे, निंद्रा को कम लेते रहेंगे 2 घंटे 2 घंटे करके, तब यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तो आप एक अजीब तरह से बिहेव करने शुरू कर देंगे। जो आप रातों रात जगे रहेंगे, 2 घंटा सोएंगे, तो आप अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देंगे।
यू लॉस द एबिलिटी टू कंसर्न एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पायर्ड। तो जो इम्पायर्ड का मतलब होता है कमजोर, इम्पायर्ड का मतलब कमजोर, और जजमेंट का मतलब होता है कोई भी मतलब फैसला लेना, डिसीजन लेना। कंसरेट कंसरेट का मतलब होता है आपको कोई भी चीज़ बात करने के लिए शुरू करना या दिखाना। तो कहता है कि अब अपना जो है अपना जजमेंट लेने में आपको बहुत सक्षम नहीं हो पाएंगे। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर बिकम्स ट्रेंज्ड। आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो जो व्यवहार होगा वो ट्रेंज असामान्य हो जाएगा, अजीब अजीब सी ख्याल आपके मन में आएगा जब आप नींद पूरा नहीं लेंगे तब। अ लॉट ऑफ हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को गंभीर जो है नींद की प्रॉब्लम होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। कुछ लोगों को पता है कि ये सोते नहीं हैं इसलिए ऐसा होता है। सम अवेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट। कुछ कुछ लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती, बीच बीच रात में उठ जाता है, जग जाता है। मिडिल ऑफ द नाइट टू अर्ली इन द मॉर्निंग। और कुछ कुछ लोग सुबह तक जगे रहते हैं, नींद नहीं आता है। तो देर आर अ नंबर ऑफ काउजेज, ये इसके बहुत सारे कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन, जो चिंता करता है, जिसको अवसाद होता है, जिसके पास बहुत सारी चिंताएं होती है, उसको रात में नींद नहीं आती है, आर द मोस्ट कॉमन काउज। और बहुत सारे जो होता है इसके मुख्य कारण हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्टेड स्लीप। नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड, न्यू और सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मतलब होता है पारिवारिक, जो जहाँ हम जाते हैं वहाँ का कुछ जो होता है पारिवारिक, वहाँ पर अच्छा नहीं हो पाता। हम कहीं घर से दूर जाते हैं तो कहीं पर नॉइज, हल्ला वाला शोरगुल होता है। लाइट रोशनी से हमें प्रभावित होता है, हीट गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, और न्यू सराउंडिंग नए नए परिस्थितिक जो होता है वहाँ का। इसी प्रकार से हमको नींद होता है ना, कभी किसी के घर जाते हैं तो नींद नहीं आता, कहीं शोरगुल से नींद नहीं आता, कहीं लाइट ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं ठंडी ज़्यादा है, इस प्रकार से भी हमें नींद नहीं आती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। पेन इन इलनेस, बीमारी जो होती है, बीमारी का जो दर्द होता है वो उसमें भी नींद नहीं आती रहती है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी मॉक्स ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट टेम्पररी स्लिपनेस विदाउट सीकिंग। सीकिंग का मतलब जो होता है बिना नींद के ही बहुत से अधिकांश लोगों को टेम्पररी अस्थायी रूप से निद्रा नहीं आती रहती है। हेल्प, मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पाइल्स का मतलब होता है नींद की गोली। बहुत से लोगों को नींद की गोली लेने की आदत हो गई है, नींद की गोली लिए बिना सोते नहीं है। बट स्लीपिंग पाइल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर। जो डिसऑर्डर का मतलब है विकृति, क्योर मतलब हल, लेकिन स्लीपिंग पाइल जो है ये आपकी निद्रा का हल नहीं है। स्लीपनेस कॉल्ड इनोसमिया। इनोसमिया का मतलब होता है अनिद्रा की बीमारी। ये जो अनिद्रा की बीमारी का ये दवा नहीं है, जो गोटी है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। अगर आप जितना कर सकते हो उतना इस दवा को अवॉइड कीजिए, इसको इससे बचिए। दवा स्लीपिंग पाइल्स नहीं लेना चाहिए, बहुत खराबी है। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव इट। इसके अच्छा ये होगा कि आप इस बीमारी को अच्छे से जानिए, अच्छे से परखिए कि हमें नींद क्यों नहीं आती है। हर नींद नहीं आने पर आपको नींद की गोली लेने से बहुत ही नुकसान हो सकता है, शारीरिक कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है। इसलिए हर वक्त हर समय स्लीपिंग पाइल्स ना ले तो वही अच्छा रहेगा। चैप्टर एंड्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स how much you like this video, and please comment reply me another videos, another chapters video in English class 6 to 12th English books, explain in your order in your comment box. Please comment me in my comment box. Thank you. Jai Hind.